हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फुट की आर्चेस के बारे में। फुट की आर्चेस यानी कि हमारे पंजों में जो कर्व आपको देखने को मिलता है, इसे ही हम लोग आर्चेस कहते हैं। और ये आर्चेस हमारी प्लांटर मसल से मिलकर बनी होती है। तो जिन लोगों के अंदर प्लांटर मसल्स की वीकनेस होती है, उन लोगों के अंदर फ्लैट फिट की समस्या या फिर ड्रॉप आर्चेस भी हमें देखने को मिलती है। कुछ पेशेंटों के अंदर एक साइड की आर्चेस कम होती है और एक साइड की आर्चेस ज्यादा होती है। तो जब भी वो वॉकिंग करते हैं तो जिस साइड की आर्चेस कम होती है, उस साइड का जो शूज होता है वो अंदर की तरफ से घिसा हुआ भी हमें नजर आता है। ऐसे पेशेंटों के अंदर डिस्क पे भी एक तरफ लोड ज्यादा रहता है, एक साइड के घुटने पे लोड ज्यादा रहता है। हिप पेन, नी पेन और डिस्क बल्जिंग की समस्या भी ऐसे पेशेंटों में हमें देखने को मिलती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपनी इस आर्चेस को मेंटेन कर सकते हैं, इस आर्चेस को फ्लैट फिट में जाने से रोक सकते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो पे बिल्कुल नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइज। दोस्तों, हमारे फ्लैट फुट के करेक्शन के लिए हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको एक बॉल को अपने पंजों के नीचे दबाना है और उसे प्रेशर देते हुए रोल करना है। प्लांटर फेशाइटिस और फ्लैट फुट की समस्या के अंदर काफ़ी पेशेंटों के अंदर हमें देखने को मिलता है कि उनकी प्लांटर मसल्स टाइट होना शुरू हो जाती है। इस मसल्स की टाइटनेस के कारण भी फ्लैट फुट की समस्या होती है और पेशेंट को प्लांटर फेशाइटिस और फुट पेन की समस्या भी देखने को मिलती है। तो सभी एक्सरसाइज को करने से पहले सबसे पहले हम इस मसल्स को रिलीज करेंगे इस मेथड से। दोस्तों, हमारी दूसरी एक्सरसाइज है हमारी आर्चेस को बिल्ड करने के लिए। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको किसी चेयर को पकड़ लेना है और अपनी पूरी बॉडी का वजन एक पैर के ऊपर रखना है। उसके बाद में आपको अपने पंजे को उठाना है, उंगलियों की तरफ आना है और फिर 5 से 10 सेकंड होल्ड करना है। ऐसा करने से आपकी मिडिल लॉन्गिट्यूडनल जो आर्च होती है उस पर लोड पड़ता है, उसकी स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेज होती है और इसे अगर आप रेगुलर बेसिस पे करते हैं तो आप अपनी फुट की आर्चेस को मेंटेन कर पाएंगे। अगर आपको फ्लैट फिट की समस्या है तो रेगुलर इन एक्सरसाइज को करके भी आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। दोस्तों, एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना है कि पोस्चर की अगर आपको समस्या है, अगर आपको किसी तरह का पोस्चर इम्बैलेंस है तो पहले आपको अपने पोस्चर की समस्या को करेक्ट करना होगा, उसके बाद ही आप फुट की समस्या को यानी कि फ्लैट फुट की समस्या को ठीक कर पाएंगे। दोस्तों, हमारी अगली एक्सरसाइज को करने के लिए आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होना है, दोनों पैरों को सीधा रखना है और एडी वाले हिस्से के बीच के अंदर आपको एक बॉल को रखना है। फिर एडी के दोनों तरफ से दबाकर बॉल को होल्ड करना है और फिर आपको पंजे पर आना है। ऐसा करने से आपकी पोस्टीरियर टिबियलिस मसल, जिसकी वीकनेस के कारण भी फ्लैट फुट होता है, वो मसल स्ट्रॉन्ग होती है, उसकी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज होती है, साथ में आपकी मिडिल लॉन्गिट्यूडनल आर्च पे भी अच्छा एक्सरसाइज देखने को मिलता है। इस एक्सरसाइज को आप दिन में 2 बार रिपीट कर सकते हैं। हर बार 5 से 10 सेकंड होल्ड करें ऊपर जाने के बाद में और फिर वापस इसे नीचे रख लें। दोस्तों, ध्यान रखें, कुछ और भी समस्या हो सकती है फ्लैट फिट की, तो आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से, मूवमेंट थेरेपिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही सभी एक्सरसाइजेस करें। दोस्तों, फ्लैट फुट के करेक्शन के लिए हमारी अगली स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको एक थेराबैंड की आवश्यकता होगी, ये आपको इजीली कहीं पे भी अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको पंजे में इस थेराबैंड को पकड़ लेना है, अटका लेना है और फिर आपको अपने फिट को अंदर की तरफ रोटेट करना है। ऐसा करने से आपकी जो आर्चेज हैं वो बिल्ड होती है, आपकी पोस्टीरियर टिबियलिस मसल्स भी स्ट्रेंथ होती है। दोस्तों, और बहुत सी एक्सरसाइज हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन ये सभी इनिशियल एक्सरसाइज है जिससे आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी पहले वाली एक्सरसाइज का एक और वेरिएशन है, ये ज़्यादा इजी मेथड है, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें बस आपको थेराबैंड को अपने पैर में अटका लेना है और सिटिंग पोजीशन में इस तरह से आना है और फिर पंजे को ऊपर की तरफ खींचना है। ऐसा करने से आपकी आर्चेस की स्ट्रेंथ होती है और आपकी फ्लैट फिट की जो समस्या है उसे भी आप करेक्ट कर सकते हैं। हर बार आपको 5 से 10 रिपीटेशन लेने हैं और होल्ड करना है और जिस तरीके से हमने बता रखा है उसी तरीके से आप एक्सरसाइजेस करें। ध्यान रखें, किसी भी एक्सरसाइज में आपको पेन नहीं होना चाहिए, ये सभी एक्सरसाइजेज आपके लिए पेन फ्री होनी चाहिए।
दोस्तों फ्लैट फुट के लिए हमारी अगली स्ट्रेंथ एक्सरसाइज है, इसके लिए आपको एक टॉवल चाहिए होगा और फिर आपको उंगली से उस टॉवल को इकट्ठा करना है जैसा कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। ऐसा करने से आपकी आर्चेस की अच्छी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज होती है जिससे आपकी फ्लैट फिट की समस्या, प्लांटर फेशियाइटिस की समस्या में आपको काफ़ी अच्छा आराम मिलता है। तो दोस्तों ये सभी एक्सरसाइज थी जिसके थ्रू आप अपनी फ्लैट फिट की समस्या को घर रहकर ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।